नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के स्टॉक के बारे में, जहां अगर आप देखेंगे तो लगातार 4 दिन से यहां पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 5% के अपर सर्किट पे स्टॉक लॉक है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें रिसेंटली 3-4 दिन पहले 52 वीक लो लगा था 318 रुपए के आसपास का, वहां से स्टॉक में एक शानदार रिकवरी बनती हुई दिख रही है। लगभग 20-25% का जो उछाल है वो आपको 52 वीक लो से कहीं ना कहीं से स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 998 का है, वहां से स्टॉक अभी भी बहुत नीचे है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉटम से जो रिकवरी देखने में मिल रही है वो निवेशकों के मन में फिर से एक सवाल पैदा करी कि क्या यहाँ पे बॉटम बन गया और क्या फिर से यहाँ पे खरीदारी का वक्त है, तो क्या यहाँ पे हमें खरीदारी करनी चाहिए। वॉल्यूम यहाँ पे अगर आज देख रहे हैं तो बहुत कम है, 9,51,000 शेयर के आसपास का वॉल्यूम है। बिड आस्क प्राइस देखेंगे तो अभी आपको देखने को मिलेगा 395.25 रुपए पे 9,48,000 शेयरों के बायर्स खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बाइंग यहाँ पे खरीदने के लिए इतनी क्वांटिटी खड़ी है और सेलर्स यहाँ पे बिल्कुल नदारद हैं, जिसके कारण आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ये क्वांटिटी फिलअप होगी सर्किट ओपन होता हुआ दिख सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ये चीजें ओपन नहीं होगी तब तक अपर सर्किट का सिलसिला रह सकता है। बहुत तेज मार पहले ही पड़ चुकी है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग शॉर्टिंग जो मतलब सेलिंग थी शॉर्ट कवरिंग इसलिए क्योंकि वो फ्यूचर्स में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है तो थोड़ी रिकवरी यहाँ से आपको बाउंस बैक जैसा सिलसिला जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन रीजन क्या है कि क्यों स्टॉक निचले लेवल से आपको रिकवर होता हुआ दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पे खबर की बात करें तो आप देख सकते हैं खबर जो यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है वो आपको देखने मिल रही है बर्नस्टीन की तरफ से। सक्सेसफुली पेटीएम ने जो है ऑपरेशनल चेंजेस जितने भी रिक्वायर थे वो किया था, ताकि डिपेंडेंसी जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे उसे कम की जा सके और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है ओवरऑल बिजनेस में उसको भी लिमिटेड यहाँ पे करना जो है कंपनी का ध्येय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आज के दिन यहाँ पे लगभग 5% का अपर सर्किट लगा, 395 के आसपास स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। हाल में जब हमने देखा था बड़ी गिरावट क्यों देखने मिली थी, क्योंकि 31 जनवरी के दिन आरबीआई ने जो है रिस्ट्रिक्शन पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर लगाया था कहीं ना कहीं, और उसके बाद से ये स्टॉक जो है आपको प्रेशर में देखने मिला था, बड़ी तेज मार जो थी वो पड़ते हुए दिखाई दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए अपने लोअर लेवल से 24% के आसपास की रिकवरी 52 वीक लो से 318 के लेवल से देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं लेकिन हम देख रहे हैं इस चीज को 48% डाउन है आपको 31 जनवरी क्लोजिंग जो कि 761 के आसपास थी अभी। लेकिन पिछले 3-4 सेशन में यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला है और इसके दो तीन कारण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला कारण तो आप ये कि आरबीआई से एक्सटेंशन मिला है, डेडलाइन जो थी वो पहले थी 29 फरवरी की जो कि बढ़ के 15 मार्च तक की हो गई, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। दूसरा जो पॉजिटिव कमेंट्स है मैनेजमेंट की तरफ से वो देखने को मिले हैं, वो भी एक मार्केट पॉजिटिव समझ के चल रहा है, और साथ ही साथ ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो फाइंडिंग्स थी उसमें वॉयलेशन जो था एफएमआई यानी कि जो कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट उसके तरफ से कोई भी जो है सबूत ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिसके कारण क्लियर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज उसके लिए एटीएम के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। इसके कारण बर्नस्टीन ने यहाँ पे आउट परफॉर्म रेटिंग जो है कहीं ना कहीं बरकरार रखी है। लेकिन वही बात करें बहुत से ब्रोकरेजेस हाउस हैं जो यहाँ पे पेटीएम को डाउनग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ प्राइस टारगेट भी जो थे वो बहुत ज्यादा नीचे घटा दिए हैं आरबीआई के एक्शन के बाद से। लेकिन बर्नस्टीन जो है अभी भी यहाँ पे आपको बुलिश देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से अभी आपने देखा फास्ट टैग से रिलेटेड भी यहाँ पे जो खबर देखने को मिली उसमें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी को हल्का नुकसान होता हुआ दिख सकता है, कहीं ना कहीं पेमेंट्स जो है वो उसमें देखने को मिल सकती है, डाउनसाइड इम्पैक्ट देखने मिलेगा उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे 4 बेसिस पॉइंट के आसपास का, कहीं ना कहीं जो मार्जिन है 9 बेसिस पॉइंट के आसपास के करेंटली है, तो वहां पे भी आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें जो है उसके बाद अगर आप देख रहे हैं आज स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बॉटम फिशिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। पहले मार्केट कैप देख लीजिए 25,000 करोड़ के आसपास का खाली बचा है, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं, पी है ही नहीं यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है क्योंकि कंपनी लगातार लॉस पे कहीं ना कहीं है, अभी तक प्रॉफिटेबल हुई नहीं, और जहां थोड़ा कुछ सही होता है बड़े इन्वेस्टर पहले ही एग्जिट कर चुके हैं। प्राइस टू बुक में देखें 2 के आसपास की, अपने लिस्टिंग प्राइस से देखेंगे बहुत ही ज्यादा डाउनसाइड है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करूं चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी तेज गिरावट जो है पिछले 1-1.5 महीने में देखने को मिली है, निचले लेवल से आपको एक सपोर्ट डेफिनेटली देखने को मिल रहा है।
लेकिन यहाँ पे फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश ना करें तो ये अच्छा होगा। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है लेने करने का कि आप चाहते हैं कि आप खतरों से खेल सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली वो लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं आई है फ्यूचर में। अभी फिलहाल इसके साथ क्या हो सकता है, क्या ग्रोथ आएगी, क्या नहीं होगा, ये सब चीज देखने वाली है। और अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ भी चीज दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है बुरी तरीके से खराब हो चुका है, बहुत ही बड़ी तेज गिरावट जो है वो देखने को मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब निचले लेवल पे थोड़ा लोग बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं कि हम एवरेज कर लें, खासकर वो लोग जिनके भाव बहुत ऊपर के हैं। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने 1,000 1,500 2,000 के लेवल पे एंट्री करी हुई है, वो अब यहाँ पे निचले लेवल पे सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लेते हैं, एवरेजिंग हो जाएगी तो कॉस्टिंग नीचे आई जाएगी और स्टॉक में फिर रिकवरी देखने को मिलेगी, तो हम लोगों को अच्छी खासी एग्जिट मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं वो सभी रिटेलर्स की अलग अलग टाइप की सोच होती है, उसके ऊपर कमेंट्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी लोग अगर अच्छा ही सोचेंगे तो स्टॉक के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, और सब लोग बुरा ही सोचेंगे तो कभी स्टॉक ऊपर जाएगा ही नहीं। तो हर टाइप के लोगों की जरूरत होती है बाजार में, और वो आपको साफ देखने मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी अपर सर्किट पे है तो सिर्फ बायर अवेलेबल है, सेलर देखने नहीं मिल रहे हैं। अचानक से कभी लोअर सर्किट लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ सेलर होंगे, सबको बेचना होगा लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अपर सर्किट और लोअर सर्किट दोनों ही लेवल पे बायर या सेलर जो होते हैं उनको एंट्री या एग्जिट नहीं मिल पाती, ये चीज एक बहुत कॉमन चीज है। तो मार्केट में जब सर्किट में कोई स्टॉक चल रहा है तो कहीं ना कहीं उससे दूरी बना लेना ज्यादा अच्छा रहता है, खासकर अगर उसमें न्यूज खराब चल रही है। और यहाँ पे भी एक रिकवरी का थोड़ा बहुत साइन पिछले 2-3 दिनों में देखने को जरूर मिला है, कब तक रहेगा कह नहीं सकते। 400 420 रुपए तक का हो सकता है आपको एक और अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल जाए, एक आध 2 दिन और अपर सर्किट लग जाए। अपर सर्किट खुलेगा तो डेफिनेटली फिर वहां पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेडिंग चालू होते हुए दिखाई देगी। पिछले 2 3 दिनों में वॉल्यूम ना के बराबर यहाँ पे देखने को मिले, मुश्किल से बहुत रेयरली लोअर वॉल्यूम के साथ कहीं ना कहीं अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई खास यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। अगर 318 के आसपास या उसके नीचे फिर से जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन मूव कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, दूर रहें ज्यादा अच्छा है, सावधान रहें, कहीं ना कहीं ज्यादा हाथ लगाने की कोशिश ना करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।